तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो ट्यूब लेवल के बारे में। देखिए हमारा ये जो पुराना शेड है इसी के लेवल में हमको यहाँ पे कॉलम लगाना है और आगे कॉलम लगाना है, उसके आगे लगाना है, तो उसी के हाइट का लेवल हमें यहाँ पे कैसा लाना है उस बारे में आज हमको डिटेल जानना है। अभी देखिए ये जो शेड है पुराना वाला, इसी को हमको कंटिन्यू करना है 90 फीट यहाँ पे सामने। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे 6 कॉलम आने वाले हैं, तो इस 6 कॉलम इस साइड में और 6 कॉलम उस साइड में है। तो आपको आज हम लेवल उड़ा के दिखाएंगे कि कैसे हमको वही लेवल में इसको लेना है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंफॉर्मेटिव है, और ये हमारा ट्यूब लेवल है, और हमको क्या क्या चीज़ लगने वाला है। 1 5 मीटर का टेप लगने वाला है, उसके बाद में 2 बड़े से एंगल या फिर लकड़ी जो कि 2 3 मीटर से, ये गड्ढे से 1 मीटर ऊंचा होना चाहिए उतना लेवल का, या तो लकड़ी या तो एंगल चैनल कुछ भी चाहिए। 5 मीटर का टेप, 1 पेंसिल और ट्यूब लेवल, इतना सामान हमको चाहिए इसका मेजरमेंट निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेजरमेंट निकालना। इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए हमको सबसे पहले ए साइड बी साइड कर दिया है हमने, और 6 यहाँ के और 6 यहाँ के कॉलम है। तो अभी पेन और पेपर के माध्यम से हम सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो हमारा मेंबर है इसका एक मेजरमेंट निकाल लेंगे किसी एक लेवल पर। तो अभी हम इसका जो मेजरमेंट है वो निकालने जा रहे हैं इस प्लेट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस प्लेट के, ये इस प्लेट का टॉप, ये जो टॉप है इस पर से लेवल उड़ाएंगे, और यहाँ पे कोई एक चीज़ खड़े कर देंगे इस गड्ढे में, उसके ऊपर हम लेवल उड़ाएंगे। उसके बाद क्या घटाना है क्या जोड़ना है वो बताएंगे। सबसे पहले हमको इस प्लेट से उस प्लेट का मेजरमेंट निकालना है दोस्तों, कितना आ रहा है। तो दोस्तों उस कॉलम का हाइट आया है हमारा 4 मीटर 900। अब हमको नीचे कितना लेना है उसका जो जुगाड़ है, देखिए इसका हम क्या करेंगे, उसका बेस प्लेट से ट्यूब लेवल उड़ाएंगे यहाँ पर, और जो लेवल आएगा जो मार्किंग आएगा हमारा उससे नीचे जो रहेगा वो इसमें प्लस कर देंगे, जो 4 मीटर 900 है इसमें प्लस कर देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल में। ये जो वाटर लेवल है हमने, आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेट का वाटर लेवल उड़ा है यहाँ पर। अब हमारे अर्जुन सर जो है वहाँ पे मार्क लगाएंगे एक, ये जो वाटर लेवल है टाइम का टाइम है ना, अर्जुन से मार्किंग करा एक। तो अभी ये जो हमारा वाटर लेवल आया है दोस्तों यहाँ पे आया है, तो यहाँ से नीचे कितना है वो हम काउंट करेंगे। अभी तो ये हमारा आया है 1150 आया है। तो अभी 1150 को हम क्या करेंगे, ये जो 4 मीटर 900 है हमारा इसमें ऐड कर देंगे प्लस 1150। अभी सेम चीज़ हमको क्या करना है, यही से हमको अभी लेवल करना है आगे का। अभी आगे कम आता है घटाना है बढ़ाना है वो हम देखते हैं तुरंत। यहाँ पर हमने जो लेवल लिया था उसको अभी यही लेवल हमको क्या करना है कि उस गड्ढे पे लेना है इसी लेवल को, ठीक है। ये जो हमारा लेवल है इसी को हमको लेना है यहाँ पर, और यहाँ पे जो लेवल आएगा उसके नीचे जितना माप आएगा उतना 4 मीटर 900 में प्लस कर देना है, सिंपल है। कायम देखिए ये जो हमारा अभी मेजरमेंट का मार्किंग हुआ है, अभी यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कितना है मेजरमेंट। यहाँ पर आए 1 मीटर 10। देखिए अभी इसमें इस गड्ढे में और उस गड्ढे में 150 mm का फर्क है। देखिए यहाँ पे आए हैं 1 मीटर 10।
10 10। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी जो गड्ढे है उनका ट्यूब लेवल निकाल लेना है। सेम इसी प्रकार से सबका निकाल लेना है। यही ट्यूब लेवल उस साइड में जाएगा, उस साइड में भी 6 गड्ढे है, इस साइड में भी 6 गड्ढे है, और उसके बाद में हमारे कॉलम बनेंगे। हमको एक प्रॉब्लम आया था कि हमारा जो पहले सेकेंड वाला जो लेवल था वो नीचे चला गया था इस गड्ढे से, तो हमने क्या कर लिया है, उस मार्किंग को 500 mm से ऊपर ले लिया है, बढ़ाया है। और यहाँ पे जो है मेजरमेंट हमारा जो 4m900 था, यहाँ पे देखिए 500 mm यहाँ में से घटा दिया है, जो 4m900 था उसको कट करके 4m400 लिख दिया है। अभी इसका लेवल और उसका लेवल होगा ट्यूब लेवल, और जो मेजरमेंट नीचे होगा वो ये 4m400 में प्लस होगा दोस्तों, ठीक है।